पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ आज के इस आराधना के समय के लिए। आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ और मेरी यही प्रार्थना है कि आज की इस आराधना के द्वारा आप सब अपने अपने घरों में अब रहकर प्रभु की आशीष को प्राप्त कर सके। खुदावंद का वचन यूं कहता है कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। आइए हम अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद देते तेरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते प्रभु कि इस पूरे महीने में हमने तेरे पवित्र आत्मा के कार्यों पर, पवित्र आत्मा के हमारे जीवन में क्या स्थान है उस पर हमने ध्यान किया, पवित्र आत्मा के फलों के बारे में देखा कि किस प्रकार एक विश्वासी पवित्र आत्मा के फल के द्वारा अपने जीवन में फलवंत हो सके। और आज भी जब हम तेरे वचन को, पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में जब हम प्रभु जी हम ध्यान करने वाले हैं हमारी अगुवाई का, खुदावंत आज की आराधना पर आशीष दे। जो भाई बहन प्रभु जी आज आराधना में अगुवाई करते हैं, तेरे पवित्र वचन के पढ़े जाने पर, तेरे वचन के प्रचार किए जाने पर, हर एक कार्यों पर तेरी महिमा और तेरी स्तुति हो हमारी प्रार्थना है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि अब तक आपने हमारी अगुवाई की है, आज की आराधना में भी हमारी सहायता। धन्यवाद के साथ हम सब अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, आरंभ से लेकर अंत तक हमारी सहायता कर और इस आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम में आरंभ करते हैं, आमीन। कितनी खुशी की बात है कि हम अपने घर में बैठकर भी एक कलीसिया की तरह साथ मिलकर प्रभु की आराधना करने के लिए मिले हैं। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे इस सभा में उपस्थित हो और हम उसकी महिमा करें। पूरे दिल और
यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि वो हमारा आधार है, वो हमारा उद्धारकर्ता बनकर हमारी रक्षा करता है। परिस्थिति चाहे जो भी हो, जितनी भी मुश्किल हो, लेकिन उसकी योजनाएं हमारे जीवन के लिए हमेशा अच्छी है। उसकी आशीषों को याद करते हुए हम ये गीत गाएंगे। धन्यवाद देते हैं आपको, आपके प्रेम के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी सारे आशीषों के लिए, और इस जीवन जो आपने हमें दिया है उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु, जो स्वार्थी जीवन हम जी रहे हैं उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी कुछ हमारे जीवन में हो वो आपकी महिमा के लिए हो, आपकी आराधना के लिए हो प्रभु जी। प्रभु, आज जो गीत हम आपके लिए गा रहे हैं प्रभु, ये हम केवल हमारे होठों से नहीं लेकिन हमारे हृदय से हम गा पाए प्रभु। हम इस जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं और हम चाहते हैं प्रभु कि हमारे जीवन से, हमारे पूरे मन से हम आपकी महिमा कर पाए। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु।
सच्चाई से तेरी आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें, ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसके पहले वचन से 12वें वचन तक। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसके पहले वचन से 12वें वचन तक। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्सेस 1-12। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्सेस 1-12। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गुंगी मूरतों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है, क्योंकि जिस प्रकार दे तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। प्रभु इन वचनों पर अपनी आशीष दे, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास कहें। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वसामर्थ्य पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ,
पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीवितों व मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा।
प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ समय के लिए, विशेष करके उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने जो कि इस पूरी आराधना में हमारी अगुवाई की है। आप सभी को जो कि प्रभु आशीष दे और इसी प्रकार हम प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते रहे, यही मेरी जो कि प्रभु से प्रार्थना है। मेरे प्रियो, पिछले हफ्ते हमने जो है प्रभु के दास के द्वारा पवित्र आत्मा के फल क्या है और किस प्रकार जो कि हमें उन फलों में जो कि हमें बढ़ना है, कैसे जो है कि हम फलवंत हो सकते हैं, उसके बारे में हमने सुना। और आज अपने ध्यान को आगे बढ़ाते हुए आज जो कि हम जो ध्यान करेंगे वो है पवित्र आत्मा के वरदान, द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। आज का वचन आपने पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 1 से 12 तक आपने सुना, और इसके साथ साथ आज के ध्यान के लिए हम इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय 7 से 13 और रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसके 3 से 8 वचन तक हम देखेंगे। इन सारे वचनों को अगर आप देखें तो एक बात जो कि बहुत ही जाहिर है या साफ प्रकट होता है कि पवित्र आत्मा के वरदान इसलिए दिए गए हैं कि कलीसिया की उन्नति हो, केवल एक व्यक्ति की नहीं, केवल मेरी नहीं, केवल आपकी नहीं, लेकिन सब मिलकर हम जो है कलीसिया की उन्नति कर सके, ताकि परमेश्वर ने जो कलीसिया का स्थापना उसने किया है, कलीसिया को स्थापित किया है, उस उद्देश्य को हम अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सके। पवित्र आत्मा जब आकर एक विश्वासी के जीवन में आता है तो केवल सामर्थ नहीं देता, केवल उसे जो कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से भरता नहीं है, केवल फल नहीं देता है, लेकिन फल लाने की क्षमता और फल के साथ साथ वो उन्हें गिफ्ट या वरदान भी देता है, तोहफा देता है, या जो कि हम जिसको सही मायने में बाइबल में देखें तो लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अलग अलग वरदान देता है ताकि कलीसिया की उन्नति हो, कलीसिया आगे बढ़े। जब भी पवित्र आत्मा हमें मिलता है तो केवल सामर्थ्य के साथ नहीं, वरन वो केवल वे खाली हाथ नहीं आता है, लेकिन वो हमें वरदान या गिफ्ट जो कि देता है ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सके। गिफ्ट जब हम कहते हैं तो ग्रीक भाषा में इसे कैरिस कहते हैं। कैरिस का मतलब है ग्रेस, यानी अनुग्रह या प्रभु की दया। ये जो कि हमारी अच्छाई के कारण जो कि हमें वरदान नहीं मिला है, ये नहीं कि जो कि मैं एक बहुत बड़ा विश्वासी हूं इसलिए मुझे जो कि वरदान मिला है, ये नहीं कि जो कि मैं कलीसिया जाता हूं या एक ऐसी कलीसिया से संबंधित रखता हूं जो केवल पवित्र आत्मा के बारे में बात करती है उस कारण जो कि मुझे वरदान मिला है, ये सचमुच गलत। सही बात क्या है? पवित्र आत्मा का दान एक ग्रेस है, प्रभु की दया है, और वचन में लिखा हुआ है जो पहला कुरिन्थियों जो हमने 12 में पढ़ा, जिसे आत्मा चाहता है उसे वो वरदान देता है, हर एक के क्वालिफिकेशन के अनुसार, हर एक के योग्यता के अनुसार ये वरदान जो है विश्वासी भाई और बहनों को जो है दिया गया है। और इसके बारे में जो कि हमने आज वचन में जो पढ़ा है 7 से 11, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के 7 से 11 में आप इसके जो कि विवरण में जो कि आप पढ़ सकते हैं। एक गिफ्ट जो है इंसान की ताकत या बुद्धि से जो कि प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन यह पवित्र आत्मा का अनुग्रह है जो उसने हम पर उंडेला है। इसका मकसद क्या है या उसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहली बात प्रभु की महिमा के लिए, और दूसरी बात कलीसिया की उन्नति के लिए। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, जो भी वरदान आपको प्रभु ने दिया, अगर आपके पास चंगाई का वरदान है, प्रचार का वरदान है, अन्य भाषा का वरदान है, या जो भी वरदान जिन की जो कि समझ इन वाक्यों में दिया गया है, वो जो है मेरी उन्नति के लिए नहीं है, मेरी बड़ाई के लिए नहीं है, एक बड़े नाम जो कि प्राप्त करने के लिए नहीं है, लेकिन दो मकसद है, नंबर एक परमेश्वर की महिमा के लिए और दूसरी बात कलीसिया की उन्नति के लिए ये पवित्र आत्मा के वरदान दिए गए हैं। आइए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे जो कि इन वरदानों के बारे में लिखा गया है। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और 6 वचन में यूं लिखा है कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली।
जब पवित्र आत्मा हम प्राप्त करते हैं तो हम मसीह की गवाही में, मसीह के विश्वास में हम दृढ़ और बलवंत हो जाते हैं। और वैसे जो कि लिखा हुआ है, आगे आप पढ़ें उस वचन में, यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। कोई भी वरदान की कमी नहीं दिया प्रभु ने, जैसे जिसको चाहता है प्रभु यीशु मसीह वो वरदान हमें देता है। वैसे ही पहला कुरिन्थियों जो हमने देखा, वैसे इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय और आयत 6 को भी हम पढ़ेंगे। वहां इस प्रकार लिखा हुआ है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत मेंत में दिया। यह वरदान फ्री में दिया गया है, यह पैसे से खरीदा जा नहीं सकता है। अगर आपको जो कि याद है प्रेरितों के काम में, एक शिमोन एक व्यक्ति था जो जादू के जरिए या चमत्कार के कार्य के द्वारा वो काफी पैसे जो कि कमाया करता था। और तब जो कि वो आकर प्रेरितों से कहता है कि मेरे ऊपर भी हाथ रखकर जो कि ये वरदान मुझे दो, और वो जो कि पैसे भी देने की कोशिश करता है। और हम जानते हैं कि प्रेरितों ने जो कि उसको किस प्रकार फटकारा या डांटा कि शिमोन जो कि तू जो कर रहा है सही नहीं है, ये पवित्र आत्मा के जो कि दान है वो पैसे से खरीदा जा नहीं सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिसे चाहता है सेंत मेंत में, फ्रीली यू हैव रिसीव्ड, फ्रीली गिफ्ट, गिव इंग्लिश में कहा गया है, सेंत मेंत में मिला है। और जो कि हम उसे प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आज जो ये वरदानों के बारे में जो वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि इन सारे वरदानों में तो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है, इसके तीन मुख्य भाग है। दे आर थ्री टाइप्स ऑफ गिफ्ट। नंबर वन, पहला जो गिफ्ट है वो है मोटिवेशनल गिफ्ट, यानी प्रेरणा के वरदान। इन वरदानों के द्वारा हमें प्रेरणा मिलता है कि हम जो है प्रभु के लिए कुछ कार्य हम कर सके। जो सेकंड है जिसको हम कहते हैं मिनिस्ट्री गिफ्ट या सेवकाई के वरदान, प्रभु की सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए ये वरदान दिए गए हैं। और तीसरा जो है हम देखते हैं यहां पे मैनिफेस्टेशन गिफ्ट, यानी प्रदर्शन करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए या प्रभु की महिमा को बताने के लिए या जाहिर करने के लिए कि हाँ ये वरदान प्रभु ने मुझे दिए हैं। तो फिर से बताऊं मैं आपको, तीन प्रकार के गिफ्ट्स हैं। नंबर वन मोटिवेशनल गिफ्ट्स जिसको हम प्रेरणा के वरदान कहते हैं, मिनिस्ट्री गिफ्ट्स सेवकाई के वरदान, और मैनिफेस्टेशन गिफ्ट्स यानी प्रदर्शन के लिए या अभिव्यक्ति का वरदान। एक व्यक्ति प्रकट करता है कि ये वरदान मुझे दिए गए हैं। सबसे पहला जो कि वरदान जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है प्रेरणा के वरदान या मोटिवेशनल गिफ्ट, जो सात प्रकार के हैं। देयर आर सेवन मोटिवेशनल गिफ्ट्स। ये इसीलिए दिए गए हैं कि प्रभु का देह उन्नति करे, प्रभु की देह की महिमा हो। जो है इसका सही उदाहरण हम दे सकते हैं कि चश्मे के समान है। जो अगर हम चश्मा पहनते हैं किसके लिए पहनते हैं? अपने लिए पहनते हैं ताकि जो है हम ध्यान से देख सके, और ये भी जो कि हम दूसरों को देख सके ताकि हमारा जो है विजन जो कि एकदम साफ हो। हम अपने लिए और औरों को भी जो है हम इसके द्वारा सफाई के साथ हम देख सकते हैं। इसमें सात वरदान है जैसे मैंने कहा। सबसे पहले यहां पे लिखा गया है भविष्यवाणी का वरदान। यह भविष्यवाणी वो भविष्यवाणी नहीं है कि जो कि आने वाली बातों के बारे में हम बताएं कि भाई आपके जीवन में ऐसा होगा, बहन आपके जीवन में ऐसा होगा। फ्यूचर जिसको जो है कि एक और शब्द है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फोरटेल, यानी कि आने वाली बातों के बारे में बताना। उसी के लिए प्रोफेसी के लिए एक दूसरा शब्द यूज किया गया है जिसे हम इंग्लिश में फोर्थ टेल कहते हैं, जिसका अर्थ है ऑन द स्पॉट उसी वक्त किसी व्यक्ति को बताना। वो कैसे बताते हैं? प्रभु के वचन के द्वारा। दैट इज प्रोफेसी। आज अनेक लोगों ने इसके बारे में गलत मतलब रखा है, केवल जो कि आने वाले दिनों के बारे में, भाई प्रभु आपको ऐसा कर देगा, प्रभु आपको ऐसा बनाएगा, प्रभु आपको वहां ले जाएगा, प्रभु ऐसा जो कि आपको बना देगा। वो नहीं, ये भी बताना परमेश्वर के वचन से सच्चाई क्या है।
आपके जीवन में क्या जरूरत है, आपके जीवन में किन जो कि बातों को जो कि आपको छोड़ना होगा, तब्दीली आपके जीवन में आना बहुत ही जरूरी है। तो ये है जो कि भविष्यवाणी, टेलिंग द ट्रूथ फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु के वचन से सत्य की घोषणा करना। जो दूसरा यहां पे हम देखते हैं वो है सर्विंग, यानी कि जो कि पहुनाई करना, सेवा टहल करना, प्रभु के प्रेम को कार्यों के द्वारा प्रकट करना, केवल मुंह से नहीं। जैसे याकूब कहता है अपने पत्री में, केवल जो है मुंह से बोलने वाले नहीं लेकिन अपने कर्मों के द्वारा या कार्यों के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करें। तीसरी बात हम यहां देखते हैं टीचिंग। अक्सर जो कि लोग प्रीचिंग और टीचिंग में बहुत ही कंफ्यूजन कर लेते हैं। टीचिंग अलग जो कि वरदान है, प्रीचिंग या जो कि प्रचार करना वो अलग कार्य है। इसे बाइबल बताती है हर एक आदमी प्रचारक नहीं बन सकता, हर एक आदमी जो कि टीचर नहीं बन सकता है या शिक्षक नहीं बन सकता है। शिक्षकों के लिए बाइबल बताती है जो बाइबल के शिक्षक है, जो टीचर्स है, उनका न्याय और गंभीर रूप से होगा। अगर आपको प्रभु ने जो कि वरदान दिया है तो ये भी जान लीजिए कि प्रभु इसे गंभीरता के साथ इसका जांच पड़ताल भी न्याय के दिन जो कि करेगा। कलीसिया को सत्य समझाना, सिखाना बच्चों को, बुजुर्गों को, जवानों को, महिलाओं को, हर एक वर्ग में जो कलीसिया के अंदर है उन्हें परमेश्वर के वचन से टीचिंग देना, बाइबल स्टडी, क्योंकि एक रेगुलर कार्य होना चाहिए हमारी जो कि कलीसियाओं में। दूसरा जगह देखते हैं प्रीचिंग, जिसे एक और वर्ड कहते हैं एग्जॉर्टिंग इंग्लिश में, यानी कि जो है एक दूसरे को प्रभु के वचन के द्वारा प्रोत्साहित करना। अक्सर हम देखते हैं कि लोग खंडन करते हैं, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये बहुत गलती करते हो, तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं। हम कमियां निकालने में बहुत ही जो कि अग्रसर रहते हैं, बहुत तत्पर रहते हैं गलतियों निकालने में, लेकिन प्रोत्साहित करना, समझाना ये बहुत ही जरूरी है। और हम देखते हैं कि एक और जो वरदान यहाँ पे दिया गया है इस मोटिवेशनल गिफ्ट में, या हम देखते हैं प्रेरणा के वरदान में, वो है देना, प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए देना। जो भी हमारे पास स्रोत है या संपत्ति है हमें जो कि प्रभु को देना है। उस विधवा को याद कीजिए जो लिखा हुआ है वहां पे, अपने कमी में से सबसे ज्यादा दिया। जिनके पास बहुत है वो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो अपनी कमी घटी से प्रभु के लिए जो कि निकाल कर देता है, प्रभु की सेवकाई के लिए, मिशन के कार्य के लिए, प्रभु की सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए, वो भी एक वरदान है। हर एक इंसान जो कि गिवर नहीं बन सकता है, हर एक इंसान देने वाला नहीं बन सकता है। 5 बार सोचता है देने से पहले या 10 बार सोचता है, लेकिन देने वाले ये सोचकर देते हैं कि हाँ इसके देने से हम प्रभु की सेवकाई को आगे बढ़ाएंगे। सम आर गुड ऑर्गेनाइजर, ये भी एक स्किल है, ये भी एक वरदान है, कुछ कार्यक्रमों को आयोजित करना। कलीसिया में आप देखेंगे अनेक लोग होते हैं जो किसी भी चीज का बोलिए बहुत जल्दी फटाफट इसका आयोजन कर देते हैं, ये भी एक वरदान है। नॉट एवरीबडी इज ए गुड मैनेजर और एन ऑर्गेनाइजर, दिस इज ऑल्सो ए स्पिरिचुअल गिफ्ट जो प्रभु की ओर से जो कि हमें प्राप्त होता है। और जो हम देखते हैं यहाँ पे सातवां जो वरदान जो पहले भाग में है वो है मर्सी, कंपैशन, दया दिखाना। ये नहीं कि हम किसी गरीब को देखकर 2 रुपए दे दे या 5 रुपए दे के, वो दया नहीं है। दया का मतलब है जिस प्रकार वचन में लिखा हुआ प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जब उसे भीड़ को देखा उन पर उसे तरस आया। तरस खाना या दया दिखाना ये जो कि प्रभु की ओर से एक वरदान है। हर एक इंसान जो है दया दिखा नहीं सकता है। हमारी जो कि कलीसिया में भी जो कि कंपैशन मिनिस्ट्री है, गरीबों को मदद करना, जो जरूरतमंद है उनकी जरूरतों को पूरा करना, ये भी एक सेवकाई है, ये भी एक वरदान है जो प्रभु कलीसिया को अपने लोगों के द्वारा जो कि वो देता है। ये पहला भाग है मोटिवेशनल गिफ्ट। जो दूसरा भाग हम देखते हैं वो है मिनिस्ट्री गिफ्ट या सेवकाई के वरदान, प्रभु की सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए ये वरदान दिए गए हैं। इसका विवरण हम इफिसियों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और 11-13 में देखते हैं, जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। एफिशियंस चैप्टर 4:11-13। और कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्य वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले यानी पासबान और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो सके और सेवा का काम किया जाए और
मसीह की देह उन्नति पाए। ये सेवकाई का वरदान क्यों दिया गया है हम यहां पे देखते हैं। वेरी क्लियरली कहा गया है जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो, प्रभु की महिमा हो और कलीसिया जो कि उन्नति करते जाएं। ये जो भी वरदान, जो सेवकाई का वरदान, चाहे वो पासबान का वरदान हो या जो है हम देखते हैं जो इस वचन में जो लिखा गया है भविष्यवाणी का वरदान है, सुसमाचार सुनाने का वरदान है, पासबानी करने का वरदान है, ये सेवकाई का वरदान है। हर एक को जो कि परमेश्वर ने पासबान करके नहीं बुलाया है, हर एक को परमेश्वर ने प्रेरित नहीं नियुक्त किया है, हर एक को इवेंजलिस्ट या सुसमाचार प्रचारक नहीं बुलाया, कुछ को जो है कि उसने सुसमाचार प्रचार के लिए बुलाया है, कुछ को रखवाले यानी पासबानी करने के लिए बुलाया है, कुछ को जो है क्योंकि एज ए एपिस्कोपल यानी जो कि बिशप के रूप में क्योंकि उसने बुलाया है ताकि पूरी सेवकाई का जो कि वो देख रेख कर सके। मैं प्रियो तिमोथियुस को जो कि पौलुस लिखता है, मैं वो वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, पहला तिमोथियुस उसका 4 और वचन 14, फर्स्ट तिमोथियुस चैप्टर 4 एंड वर्स 14। देखिए पौलुस क्या कहता है इसके बारे में, पहला तिमोथियुस उसका 4 और उसका वचन 14। मैं आपके लिए जो कि वचन पढ़ना चाहूंगा, यहां पे यूं लिखा हुआ है 4:14 में, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखने के समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह, इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। यह इसलिए दिया गया वरदान, तिमोथियुस को कहते हैं कि तुझ पर हाथ रखकर यह वरदान दिया गया था कि तुम पासबानी कर सको। और हम जानते हैं कि तिमोथियुस आगे जाकर केवल पासबानी नहीं, वो एक बिशप के रूप में भी उभर के आता है। ये गिफ्ट दिए गए हैं सेवकाई के लिए, कलीसिया को बढ़ाने के लिए। हर एक कलीसिया में, प्रियो अगर आप सुन रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं, हर एक कलीसिया में प्रभु ने कुछ लोगों को चुन लिया है इवेंजलिस्ट बनने के लिए, संडे स्कूल टीचर बनने के लिए, या जो कि उपदेशक बनने के लिए, या सेवा टहल करने के लिए। प्रभु ने आपको वो गिफ्ट दिया है, उसको पहचानने की कोशिश करो। कहिए प्रभु ये मेरे अंदर है, मैं कैसे जो है कि कलीसिया की सहायता कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने पासबान को कॉन्टैक्ट करके कह सकता हूँ कि प्रभु ने मुझे ये बोझ दिया है, मैं आपके साथ सेवा में जुड़ना चाहता हूँ। केवल एक एल्डर बनने से काम पूरा नहीं होता है, केवल एक काउंसिल मेंबर या जो है एक बोर्ड में एक नियुक्ति होने से नहीं होता है, लेकिन सचमुच हमें जो है यीशु मसीह के समान वो तौलिया पहनकर जो कि सेवकाई में उतरना है, पानी में उतरना है, ताकि जो है इस सेवकाई को हम आगे बढ़ा सके। जो थर्ड गिफ्ट है या जो तीसरा टाइप है वो है मैनिफेस्टेशन गिफ्ट, या वो वरदान इसलिए दिए गए हैं ताकि हम प्रदर्शित कर सके, लोग जो कि देख सके, जिसको हम जो कि कहते हैं अभिव्यक्ति, यानी एक व्यक्ति अपने अंदर के जो कि जो गिफ्ट है जो प्रभु ने दिया है उसे प्रदर्शित करता है। उसके बारे में भी जो कि हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 12:7-11 में जो कि आज हमने पढ़ा है, परमेश्वर ने अलग अलग जो कि दिए हैं, अन्य भाषाओं में बात करना, हीलिंग या जो कि चंगाई देना, इन सब के बारे में वहां पे हमने पढ़ा है। मैं एक और बार जो कि मैं आपके सामने उन वचनों को जो कि रखना चाहूंगा, पहला कुरिन्थियों उसका 12 और वहां के जो कि जल्द से जल्द कुछ बातों को हम जो कि हम देखें, वो वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा फिर से कि आप जो कि याद रखें कि ये मैनिफेस्टेशन गिफ्ट या एक ऐसे जो कि गिफ्ट जो सुपर नेचुरल है, अलौकिक है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिला है ताकि हम प्रदर्शित कर सके। वहां लिखा हुआ है क्योंकि एक ही आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, चंगा करने का वरदान, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और अनेक प्रकार की भाषा और भाषाओं का जो कि अर्थ बताना। ये केवल जो है स्पीकिंग इन टंग्स जो कि आजकल हम सुनते हैं अन्य भाषा में बोलना, केवल इस बात तक सीमित नहीं है। अगर प्रभु ने आपको अलग अलग भाषाओं को बोलने का वरदान दिया है तो ये आपके लिए जो कि मदद करेगा कि आप सुसमाचार प्रचार कर सके। हो सकता है कि आप जो है एक एग्जाम्पल के लिए आप महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी जन है, लेकिन अगर आपको हिंदी आता है और भी दूसरी भाषाएं आती है तो आप जो कि दूसरी जगह जहां भी जाएंगे आप जाकर जो कि परमेश्वर के वचन को आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं। क्योंकि प्रेरितों के काम में हम देखते हैं जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा, लिखा हुआ लोगों ने पहचान लिया कि अरे ये तो मेरी भाषा में बोल रहा है, ये तो जो कि मैं समझ पा रहा हूँ क्योंकि ये सब
हमारी भाषा में बोल रहे हैं। वहाँ लिखा हुआ है जो कि अलग अलग भाषाओं का जो कि लिस्ट वहाँ पे दिया गया है दूसरे अध्याय में अगर आप पढ़ते हैं। मैं प्रियो, ये आत्मा के जो कि स्रोत है, आत्मा के द्वारा दिए गए हैं, ये गिफ्ट ऑफ हीलिंग, गिफ्ट ऑफ मिरेकल मिनिस्ट्री, या जो है कि भाषाओं को बोलना, भाषाओं का अर्थ बताना, ये सब जो है प्रभु के आत्मा के द्वारा मिला गया है। ये मेरा टैलेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, पवित्र आत्मा का गिफ्ट टैलेंट नहीं है, पवित्र आत्मा का गिफ्ट या वरदान रिवॉर्ड नहीं है, इनाम नहीं। आपको इनाम दिया गया क्योंकि आप जो कि कलीसिया में आते हैं या आप जो कि प्रभु के संतान बन गए हैं तो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, या आपको जो कि गिफ्ट मिल रही है जो कि आपको इनाम के रूप में मिल रहा है, नहीं। ये आपका टैलेंट नहीं है। किसी को जो प्रभु ने म्यूजिकल टैलेंट दिया है, लेकिन वो टैलेंट से ज्यादा मैं विश्वास करता हूँ ये पवित्र आत्मा का ज्ञान है, पवित्र आत्मा का बुद्धि है जो आपको दिया है, ताकि आप अलग अलग जो कि इंस्ट्रूमेंट बजाकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। तो अंत में मैं क्या कहना चाहूंगा, इन सब वरदानों के बारे में अगर देखें, जैसे मैंने सबसे पहले कहा, दिस गिफ्ट्स आर नॉट टैलेंट्स, नॉट रिवॉर्ड्स, ये इनाम नहीं है, टैलेंट नहीं है, बट लेकिन ये वैरायटी ऑफ गिफ्ट है। एक ही जो है कि बैग में अलग अलग जो कि वरदान परमेश्वर जो है कि एक बास्केट में रखकर कलीसिया को दिया है, ताकि हम इसका जो कि इस्तेमाल करके हम प्रभु की महिमा कर सके एक ही आत्मा के द्वारा। ये नहीं कि अलग अलग आत्मा है, हाँ, अन्य भाषा का अलग आत्मा का वरदान है, अलग आत्मा है, चंगाई का अलग आत्मा, नहीं, एक ही आत्मा परंतु वरदान अलग है। वन गिफ्ट, डिफरेंट गिफ्ट्स, बट वन स्पिरिट, वन स्पिरिट बट डिफरेंट गिफ्ट्स इज बीन गिवन। ये हमारे जो कि चरित्र निर्माण के लिए नहीं है कि चलो मैं ये वरदान प्राप्त कर लूंगा वो मेरा चरित्र बन जाएगा, ये चरित्र निर्माण के लिए नहीं है, परंतु जो है कलीसिया के निर्माण के लिए, कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए है, कलीसिया की उन्नति के लिए है, और ये गिफ्ट सभी के लिए है। अक्सर लोग सोचते हैं कि केवल कुछ ही लोगों को मिल सकता है, नहीं, जो अगर आप आज ये वचन सुन रहे हैं आपके लिए भी एक गिफ्ट है। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे एक गिफ्ट चाहिए, घुटनों पर आकर आप उपवास के साथ प्रभु से मांगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि प्रभु ये वरदान जो भी आप मांगेंगे वो बिना उल्हाने वो आपको देगा, क्योंकि लिखा हुआ वचन, अब तक तुमने नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और ये प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार, आत्मा की इच्छा के अनुसार देता है। हाँ, आप हो सकता है कि आप मांगेंगे मुझे ये वरदान चाहिए, मुझे चंगाई का वरदान चाहिए, लेकिन प्रभु देखते हैं कि हाँ आपको चंगाई के वरदान से ज्यादा हो सकता है आपको प्रीचिंग का टैलेंट दे, या आपको टीचिंग दे, ताकि आप संडे स्कूल में या जो कि कलीसिया के काम में आप आगे बढ़ सके। तो प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आत्मा की इच्छा के अनुसार वो गिफ्ट हमें देता है। लेकिन अंत में एक बात बताना चाहूंगा वचन को खत्म करने से पहले, डोंट जस्ट हैव द गिफ्ट बट ऑपरेट द गिफ्ट। केवल वरदान को लेकर जो कि अपने तक सीमित मत रखिए, लेकिन इस वरदान को इस्तेमाल कीजिए, वरदान को जो कि प्रायोगिक रूप में लेके आइए, ताकि जो है इस वरदान को हम इस्तेमाल कर सके। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। मेरी यही आपसे प्रार्थना है कि आज जब आकर आप घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, कहिए प्रभु आज मुझे वरदान दीजिए, ताकि मैं सेवकाई में, कलीसिया के सेवकाई में, अपनी महिमा के लिए नहीं, लेकिन अपनी आत्मिक उन्नति से ज्यादा कलीसिया की उन्नति के लिए, आपकी महिमा के लिए इन वरदानों का इस्तेमाल मैं कर सकूं। आइए हम अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए जो आज हमने सुना। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने पवित्र आत्मा को हमारे जीवनों में उंडेला है, ताकि प्रभु जी हम आपकी महिमा कर सके, कलीसिया की उन्नति कर सके, और हम भी उस गिफ्ट के द्वारा आत्मिक उन्नति कर सके। प्रभु जी यही हमारी आपसे प्रार्थना, प्रभु जी वर दे कि हम तेरे राज्य आने से पहले हम तेरी सेवकाई में लग जाएं। जिनके कान में भी प्रभु जी वचन आज प्रभु जी पढ़ा है या सुन रहे हैं, उन्हें प्रभु जी आप उकसाएं, उन्हें प्रेरित करें, ताकि वो भी प्रभु जी अपने घुटनों पर आकर सुच से प्रभु जी पवित्र आत्मा के वरदान मांगे, ताकि प्रभु जी इन अंतिम दिनों में उसके प्रयोजन के द्वारा अनेक आत्माओं को कलीसिया के अंदर ला सके। प्रभु जी हमारे हिंदी कलीसियाओं पर अपनी आशीष दे, ताकि प्रभु जी हर एक जगह में कलीसिया प्रभु जी हम स्थापित कर सके, ताकि अनेक लोग तेरे चरणों में आए। जो भी हमारे कलीसिया में लोग हैं प्रभु जी, जिनको भी पिता परमेश्वर अलग अलग वरदान दिए हैं, वो आगे बढ़ सके और प्रभु जी सेवकाई में इस्तेमाल किए जाए, ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद के साथ आज के वचन के लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद देते। पवित्र आत्मा, हमारी यही आपसे प्रार्थना है, हर एक व्यक्ति के ऊपर उतरा,
और ये वरदान से भर, ताकि केवल प्रभु जी वो फलवंत ना हो लेकिन कार्यवंत हो, ये हमारी प्रार्थना है. नॉट ओनली फ्रूटफुल बट लॉर्ड दे बिकम इफेक्टिव इन सर्विंग यू. हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद. मांगते हैं दुआ यीशु मसीह के नाम से, सुने और कबूल करे, आमीन. हम सब मिलकर प्रभु ने जो प्रार्थना हमें सिखाया है, हम सब एक साथ मिलकर कहें, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन. आइए हम विश्वास के साथ प्रभु की आशीष को प्राप्त करें. अब हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदावन बाप का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर सदा सर्वदा हम सभी के बीच में बनी रहे, आमीन.